हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुराधा। आज मैं भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने अच्छे से धुल लिया था, अब इसको काट लेंगे पीसेस में। 1 शिमला मिर्च में 4 से 5 पीसेस बनके तैयार हो जाएंगे। धीरे धीरे आराम आराम से बराबर पीसेस काट लेंगे इसके। इस तरीके से आप पीसेस को काटेंगे और बीच में इसको भरेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन के तैयार होगी। इसके बीज को पूरे निकाल दें। इसी तरीके सारे शिमला मिर्च के पीसेस से बीज निकाल लेंगे और सभी को काट के प्लेट में रख लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप सारे पीसेस को निकाल के प्लेट में रख लेंगे। फिर इसका मसाला हम बनाएंगे। बीज को चाहो तो आप मसाले में डाल सकते हैं, जैसा आपको खाने में पसंद हो तो बीज का यूज कर सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पर नहीं डाल रही, मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं सारे बीज निकाल दे रही हूँ इसके। शिमला मिर्च कट के तैयार है, ये देखिए यहाँ पर। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। कढ़ाई में डाल दें थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच तक। गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल दें जीरा, सौंफ और हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छे से भून लें। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा ना और खुशबू आने लगे, तभी हम इसमें आलू को डालेंगे। एक आलू को मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया था, बड़ा सा आलू था थोड़ा। शिमला मिर्च में एक आलू सफिशेंट है भरने के लिए। आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिला के मिक्स कर लें और गैस का फ्लेम मीडियम कर लें। आलू और मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा, तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लें चलाते चलाते। 3 से 4 मिनट इसको आलू को चलाते चलाते भून लें। अब यहाँ पर नमक को ऐड कर दें इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक डाल दें, जैसा पसंद हो आपको। चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस की जगह यहाँ पर मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं आप लोग। और इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर गैस को मीडियम ही रखें, 1 मिनट तक इसको चला लें बस, ज़्यादा नहीं यहाँ पर भुनें। ये देखिए यहाँ पर एकदम समोसे के तरीके मसाला बन गया है। शिमला मिर्च भरेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। बॉल में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको भर लें। अब फिर से दोबारा तेल डालें लगभग 1 चम्मच तक पैन में। तेल को पूरे तरीके गर्म हो जाने दें। फिर इसमें ये शिमला मिर्च रख दें। जितने पीसेस इस पैन में आए उतने ही रखें, फिर बाद में जो बचे हुए दूसरे पीसेस हैं ना, उसको भर के दोबारा बना लें। आलू को स्पून की हेल्प से दबा के भर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गैस को बिल्कुल लो रखें यहाँ पर, जिससे ये शिमला मिर्च जलने ना पाए और अच्छे से गल जाए। सभी में बराबर बराबर आलू को रख देंगे। ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। जब भी आप लोग बनाएं ना इसको, तो इसी तरीके से बनाएं, ना प्याज ना लहसुन कुछ भी ना डालें, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगती है मेरी रेसिपी। तो चलिए, शिमला मिर्च में आलू मैंने भर दिए हैं। अब मैं इनको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, कम से कम 1 से 2 मिनट। और याद रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, नहीं तो ये नीचे जलेगी और फिर खाने में बिल्कुल टेस्ट ही नहीं लगेगी। 2 मिनट हो जाने के बाद इसको धीरे से पलटें बिल्कुल, इससे मसाला इसका निकलने ना पाए। सभी को पलट देंगे। पलटने के बाद भी गैस का फ्लेम लो ही रखें। ज़्यादा जल्दबाजी में ये शिमला मिर्च बिल्कुल जल जाएगी, फिर इसका कलर एकदम देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से आप धीमे धीमे आंच में इसको पकाएंगे ना, तो इसका कलर भी देखने में बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। फिर से ढक दें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो जाने के बाद इस सब्ज़ी को प्लेट में निकाल के रख लें। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी, रोटी, पराठा के साथ खाएं या चावल दाल के साथ, सभी के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए, आप लोग भी बनाइए इस रेसिपी को और बताना कमेंट करके कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत ही कम तेल में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। चलिए, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो एक बार फिर से मैं कहूँगी, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।